हेलो बच्चों आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास नाइन मैथ की एक्सरसाइज वन पॉइंट टू इसके फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स तो तीन हमें पॉइंट्स दिए गए हैं बताना कौन है कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा क्योंकि ये रैशनल और इैशनल नंबर पर बेस्ड है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं इ नंबर क्या होते हैं रैशनल नंबर वो वाले नंबर होते हैं जिन्हें पी अपॉइन क्यू की फॉम में लिख सकते हैं कुछ इस फॉर्म में कैसे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमारे पास सेवन अपॉइंट थ्री है ज अकेला फोर है ज अकेला माइनस थ्री है इसे भी रैशनल नंबर कहते हैं क्योंकि इसके फोन में वन डाला जा सकता है जैसे जीरो पॉइंट फोर्टी फाइव है ये भी रैशनल नंबर है क्योंकि इसका पॉइंट हटाकर हम नीचे हंड्रेड डाल सकते हैं और इरेशनल नंबर वो वाले होते हैं जिन्हें पी अपॉइंट क्यू की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं. एग्ज़ाम्पल के तौर पर जैसे रूट फाइव रूट थ्री रूट सेवन क्योंकि इसे सोल्ड करो तो अलग अलग इसके पॉइंट्स आते हैं इसके अलावा पाई ये इरेशनल नंबर की कुछ एग्ज़ाम्पल हैं और नेक्स्ट रियल नंबर कौन सी होती हैं रियल नंबर जो होते हैं वह है उसमें रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों आ जाते हैं रियल नंबर के अंदर रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों है तो फर्स्ट पॉइंट में पूछा गया है कि एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर कहने का मतलब जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं सभी वो रियल नंबर होते हैं तो हमने पता है कि रैशनल और इरेशनल दोनों ही रियल नंबर हैं तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा यस yes, कि जो इरेशनल नंबर होते हैं वह रियल नंबर होते हैं और इसका आंसर आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं ट्रू सिंस रियल नंबर कंटेन बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर और सेकंड पार्ट में पूछा गया एवरी पॉइंट नंबर नाइन इज पता है जो एम लाइन होती है और नगेटिव नंबर भी होते हैं फॉर्म so, मतलब है, है में है तो so, अगर हम देखें अगर 9 का square root देखें तो वो क्या होता है थ्री तो थ्री तो यहां पर है यानी कि रूट एम हमारा यहां पर क्लियर है ले, लेकिन अगर माइनस थ्री की बात करें जो कि नेगेटिव नंबर है यह है, नेचुरल नंबर का स्क्वेयर रूट नहीं हो सकता क्योंकि स्टेटमेंट में कंडीशन है जो एम है वह नेचुरल नंबर होना चाहिए और उसका जो स्क्वेयर रूट है वह नंबर लाइन पर होना चाहिए जो कि पॉसिबल नहीं है तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि फोर्स सिंस माइनस थ्री इज द रियल नंबर है माइनस थ्री नंबर लाइन पर होता है जो कि रियल नंबर है बट इट इज नॉट द स्क्यर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर लेकिन जो माइनस थ्री है कि ये किसी नेचुरल नंबर का स्क्वेयर रूट नहीं हो सकता थर्ड पार्ट्स में पूछा गया कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर कि जितने भी रियल नंबर वो सभी इरेशनल नंबर हैं आपको मालूम है रियल नंबर के बीच में रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर आते हैं तो सभी रियल नंबर को केवल इरेशनल नंबर कहना गलत होगा तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि फोल्स है और एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर सकते हैं सिंस टू इज़ अ रियल नंबर टू एक रियल नंबर तो है बट इट इज़ नॉट ए रैशनल नंबर लेकिन ये इरेशनल नंबर नहीं है अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू इसकी स्टेटमेंट है कि आर द स्क्र रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है पॉजिटिव नंबर है उनका स्क्वेयर रूट क्या इरेशनल होता है और आगे कहा है इफ़ नोट अगर नहीं तो गिव एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वेयर रूट ऑफ नंबर डैट इज रैशनल नंबर तो फर्स्ट पार्ट का तो आप आंसर दोगे कि नो द स्क्र रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल कि सभी नंबर का जो तो स्क्वेयर रूट इरेशनल रैशनल नहीं होता और सेकंड उन्होंने एग्जांपल देने के लिए कहा था तो हम दे सकते हैं सिंस रूट फोर इक्वल टू इज अरेशनल नंबर अगर हम रूट फोर का रूट निकालते हैं तो वो क्या आता है इरेशनल नंबर है इरेशनल नंबर बट नॉट इरेशनल but not irrational next hum question number 3 solve karte hain iska third question hai show how root 5 root 5 can be represented on number line root 5 ko number line pe kaise represent kiya jata hai iske liye aapko kuch pythagoras theorem ko thoda sa mind में रखना पड़ेगा Pythagoras theorem में क्या होता था आपको पता है इसे हम base कहते हैं ये हमारा क्या है प्रिपेंडिकुलर और इसे बोला जाता है हाइपोटेनियस तो जो हाइपोटेनियस होता था उसका फार्मूला था प्रिपेंडिकुलर का स्क्वेयर प्लस बेस का स्क्वेयर और इसका रूट तो इसी फार्मूला की हेल्प से हम फाइव का रूट निकालेंगे नंबर लाइन पर मीन उसे शो किया जाएगा अगर फाइव को देखें तो फाइव किस किस का टोटल लिखा जा सकता किस किस के स्क्वेयर का फोर और वन का टोटल है अगर हम इसका रूट डालते हैं यहां पर तो आप रूट फाइव को लिख सकते हैं टू का स्क्वायर और प्लस वन का स्क्वायर। टू का स्क्वायर फोर वन का स्क्वायर वन नहीं होगा फोर प्लस वन फाइव तो इनमें किसी भी एक वैल्यू को हम बेस और एक को परपेंडिकुलर मान लेती हैं चलो हम टू को मान लेते हैं बेस तो यहाँ तक हमारा हो गया यहाँ तक की वैल्यू बेस होगी और वन को मान लेते हैं परपेंडिकुलर तो इसका अपने डिस्टेंस उतना लिखना है एक वन यूनिट का यहाँ से लेकर यहाँ तक जो तो यहां का जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस इसका होगा तो यहाँ पर टू यूनिट का डिस्टेंस है यहाँ पर वन यूनिट का तो ये बेस हो गया ये फिर पेंडिकुलर हो गया और ये क्या होगा हाइपोटेनस। तो इसको मिला देंगे तो जहाँ पर इन्हें ऐसे मिला देते हैं और इनको नेमिंग दे लेते हैं यहाँ पर हमने नेमिंग दे दी ओ इसको हमने नेम दिया ए और पी तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर बेस का हम स्क्वायर करते हैं या फिर तो पेंडिकुलर कर, का स्क्वेयर करके प्लस करते तो हमारा क्या बनता है फोर प्लस वन रूट फाइव तो उसी तरह से ये जो हाइपोटेनस होगा ये क्या होगा आपका रूट फाइव आएगा तो आपको कंपस के साथ यहाँ पे सुई रखकर बी तक ओपन करेंगे और यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे और इसे नेमिंग दे लेते हैं सी तो ओ बी की जितनी लेंथ है उतनी ही ओ सी की लेंथ तो है तो ओ बी अगर रूट फाइव है तो ओ सी की लेंथ भी क्या होगी रूट फाइव तो यहाँ पर आप लिख देंगे ओ सी इक्वल रूट फाइव तो अब वन पॉइंट टू के तीनों क्वेश्चन सोल्व हो चुके हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग